हाय गर्ल्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू करेक्ट दीज डार्क सर्कल्स। हाफ फेस पे मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर करेक्टर और हाफ पे येलो। ये मेरी इनसाइड की प्रो पैलेट है, इसमें से मैं लूँगी ये ऑरेंज कलर करेक्टर और इसको मैं लगाऊँगी पहले अपने डार्क सर्कल्स पे और मैं इसको अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर बेस्ट होता है। मैं आज आपको येलो भी दिखाऊंगी और डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी मैंने ये आइस पर लगा लिया है। अब नोज़ के साइड में, लिप्स के साइड में, जहाँ भी मुझे लगेगा पिगमेंटेशन है या कोई स्पॉट है, वो मैं यहाँ इसको लगाऊंगी। यहाँ पे फोरहेड पे थोड़ा सा मुझे डार्क लगती है अपनी स्किन, तो यहाँ पे भी मैंने इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट मेबलिन का फिट मी कंसीलर और इसका शेड है मीडियम। इसको मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी जहाँ मैंने करेक्टर लगाया है और इसको भी मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। काफ़ी ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये और मेरा फेवरेट है। मैं एक ही कंसीलर यूज़ करती हूँ जो कि है मेबलिन का फिट मी वाला। किसी भी ब्रश या स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं होती है इसको ब्लेंड करने के लिए। काफ़ी ईजिली ये फिंगर से ही ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरी जो पिगमेंटेशन है अब ऑलमोस्ट हल्की हल्की हाइड लग रही है, डार्क सर्कल्स भी कम लग रहे हैं। अब मैं इसको आई के ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको दिखेगा अभी। आप इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए कि अंडर आइज़ के नीचे यहाँ पे पिगमेंटेशन दिख रही है बट यहाँ नहीं दिख रही है। आइज़ के ऊपर भी आप कंपेयर कर सकते हैं और इस साइड पे भी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको येलो करेक्टर यूज़ करके। इसे भी मैं सेम तरीके से ही अप्लाई करूँगी बट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमें पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल के लिए यूज़ करना चाहिए वो हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर ही बेस्ट है। इंडियन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अभी आप इसको लगा रहे हैं तो आपको लगेगा कि वाह, ये येलो वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है ये, क्योंकि एकदम से कलर करेक्ट कर रहा है। बट जब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तो आपको डिफरेंस लगेगा। अभी मैं आपको फ़िलहाल बता देती हूँ कि ये जो नेचुरल शेड आएगा वो ऑरेंज कलर करेक्टर से आएगा और येलो से आपका थोड़ा ग्रेइश लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ऑरेंज करेक्टर बेस्ट है। अभी आप देख सकते हैं मैं इस पर वही सेम प्रोसेस से लगाऊँगी अपना कंसीलर, सेम फिट मी वाला ही, और फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से ही इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी। ये भी काफ़ी ईजिली इसके ऊपर भी ब्लेंड हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट फाइनल टच के बाद आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। इसको मैंने ईजिली कर दिया है ब्लेंड अपने आइज़ के नीचे और आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का लग रहा है। दोनों पर डिफरेंस आपको मैं दिखा देती हूँ कंपेयर करके। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि दिस साइड ये थोड़ी नेचुरल टोन आ रही है और ये थोड़ा वाइट केक ही लग रहा है। अब मैं अप्लाई करूँगी ये मैक स्टूडियो का अपना फाउंडेशन, पाउडर प्लस फाउंडेशन है ये। काफ़ी ईजिली अप्लाई हो जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसको NC35 शेड में लिया हुआ है। इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और कवरेज भी अच्छी दे देता है। तो अब आप देख सकते हैं मैं आपको दोनों तरफ का डिफरेंस दिखा रही हूँ। ये वाली साइड बिल्कुल नेचुरल लगने लगेगी और इस साइड पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा केकी लगेगा, आइज़ पर भी काफ़ी केकी लगेगा। इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये नेचुरल नहीं लग रहा है। ये वाली साइड आपको फिर भी नेचुरल लगेगी। मैं आपको कोई भी आर्टिफिशियल लाइट में नहीं दिखा रही हूँ, ये सनलाइट में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है येलो और ऑरेंज कलर करेक्टर का। तो जो मेजर हमें यूज़ करना है वो है हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर। येलो वाले में हम काफ़ी केकी लग रहे हैं तो मेरी प्रेफरेंस है ऑरेंज वाली। आप भी ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बाय।